हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभास मिश्रा पर। दोस्तों, यदि हम भारतीय रेलवे की बात करें तो हमारी भारतीय रेलवे एक एक करके देश की सभी ट्रेनों को LHB रेक्स दे रही है। और दोस्तों, इन LHB रेक्स को देने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो डब्बे होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित होते हैं और साथ ही साथ इन डब्बों से ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ती है। लेकिन दोस्तों, साथ ही साथ यहाँ पर इन डब्बों में कई तरह की कमियाँ भी हैं जिन्हें भारतीय रेलवे दूर कर रही है। लेकिन दोस्तों, इसी तरीके की एक कमी के कारण एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी मुजफ्फरपुर सप्त क्रांति एक्सप्रेस के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि यहां पे कैसे एक बड़ी दुर्घटना टल गई है सप्त क्रांति एक्सप्रेस के साथ में। दोस्तों, सारी बातें होंगी इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो करूं, मेरा आपसे आग्रह, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय भी जरूर बताएं। और कुछ शिकायत आपका है तो आप इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि हम इस दुर्घटना की बात करें तो यह हुई है 2 अप्रैल को। दोस्तों, होता यूं है कि यह ट्रेन आनंद टर्मिनल से अपने निर्धारित समय 2:50 से ही निकलती है। और दोस्तों, इसका अगला स्टॉपेज होता है मुरादाबाद, जहां पे रुकते हुए ये ट्रेन लखनऊ के लिए निकल पड़ती है। लेकिन दोस्तों, लखनऊ जंक्शन पहुंचने से ठीक 2 स्टेशन पहले काकोरी रेलवे स्टेशन के पास इस ट्रेन के कोचों को जोड़ने वाली कपलिंग टूट जाती है। और दोस्तों, जैसे ही कपलिंग टूटती है, यह पूरी की पूरी ट्रेन 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। जो अगला हिस्सा होता है, जिसमें इंजन अटैच होता है, वो आगे की तरफ चला जाता है। और वहीं जो पिछला डब्बा होता है, वो धीरे धीरे चलते चलते रुक जाता है। फिर यहाँ पे जो ट्रेन के गार्ड रहते हैं, वो ट्रेन के ड्राइवर को इसकी सूचना देते हैं। और तब जाके करीब 1 घंटे के बाद फिर से ट्रेन को पीछे की ओर लाया जाता है और फिर से कपलिंग को जोड़ा जाता है और फिर ट्रेन को आगे की ओर बढ़ाया जाता है। दोस्तों, इस दौरान यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी हुई। इसी तरीके का एक ट्वीट विकास चौधरी नाम के यात्री ने किया, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उन्होंने यहाँ पे ट्वीट करके लिखा कि सर पीयूष गोयल, हाउ कैन इट पॉसिबल वी इन सप्त क्रांति एक्सप्रेस 02558 आनंद विहार टू मुजफ्फरपुर, नो बडी हेयर टू हेल्प। और साथ में उन्होंने एक 22 सेकंड का वीडियो भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से सप्त क्रांति 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। दोस्तों, इस पर रेलवे को ध्यान देना होगा कि जो LHB रेक्स में कपलिंग टूटने की समस्या आ रही है, इसे कैसे दूर किया जाए और लोगों को सुविधा दी जाए। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।